सुप्रभात गुरुजनों और मेरे प्यारे वर्ग मित्रों, मेरा नाम अनवी सिक्ची है और मैं कक्षा चौथी ड की छात्रा हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है नियति का सच यद्भावम तद्भवति। एक बार एक महान सेना नायक को दुश्मन की सेना पर हमला करना था, लेकिन दुश्मन की सेना उसकी सेना से 10 गुना बड़ी थी। सेना नायक को अपने पर और अपनी सेना पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसके सैनिक दुश्मन की बड़ी फोर्स देखकर घबराए हुए थे। सेना नायक एक रास्ते के मंदिर में प्रार्थना की और ध्यान लगाया। बाहर आने पर उसने अपने सैनिकों से कहा, अब हमारी नियति यह सिक्का तय करेगा। मैं इस सिक्के को उछालूंगा और यदि ये चित पड़ा तो हमारी जीत होगी और यदि ये पट पड़ा तुम हार जाएंगे। सेना नायक ने सिक्के को उछाला और सिक्का चित पड़ा। अपनी जीत को निश्चित जान सैनिकों में उत्साह आ गया। लड़ाई के मैदान में जमकर लड़े और जीत गए। लड़ाई के मैदान से लौटते समय सेना नायक के एक दोस्त ने कहा, नियति भी क्या चीज होती है, इसे बदला नहीं जा सकता, हमारी जीत तब पहले से ही निश्चित थी। सेना नायक ने मुस्कुराते हुए उस सिक्के को दिखाया जिसे उस नियत से पहले उछाला था। सिक्के पर दोनों ही तरफ से जीत के निशान थे और उसने कहा, इस पर मुझे संत कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है, जिनको जातिन पाया गहरे पानी पेट, मैं बपूरा पुरंदरा रहा किनारे बैठ, कबीरा रहा किनारे बैठ। इसी प्रकार जब हम किसी कार्य को करने से पूर्व ही असफलता के भय से उसे ना करें तो हमें शून्य मिलता है, और कोशिश करें तो सफलता हमारे कदम चूमती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आप जो भी सोचते हो, बोलते हो, देखते हो और उसको पाने की पूरी कोशिश करते हो, तभी सफलता आपके पास आकर्षित होती है। यद्भावं तद्भवति।